Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. SSC bank और railway में job पाना गर्व की बात है, पर उसका पहला step है exam को clear करना. और अगर आपको कोई guide करे, shortcut और tricks बताए और motivate करे, तो आपकी सफलता निश्चित है. हमारे कोर्सेज से न सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगी. और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी मंजिल हासिल करें. हेलो, गुड. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है जो कि आज अपन डिस्कस करेंगे. हर सैटरडे को अपन कोई ना कोई टॉपिक होता है जो कि डिस्कस करते आए हैं. काफी कुछ अपन ने सीखा है देश के बारे में, दुनिया के बारे में, बहुत कुछ भारत के इतिहास के बारे में. और आज जो अपन सीखने वाले हैं वो अपन सियाचिन के बारे में सीखने वाले हैं. दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वो काफी टाइम से बच्चे जो है वो डिमांड कर रहे थे. तो फाइनली जो है आज आधे घंटे के अंदर इतना कुछ आप सीख के जाओगे कि शायद ही कभी आपने सोचा होगा कि कभी किसी क्लास के अंदर ऑनलाइन कभी आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है, तो सबसे पहले इसको शेयर कर दो, आज तक नियर बाय 5-10 हज़ार बच्चे तो कम से कम समझ सके अपने देश के बारे में, जान सके किस तरीके से अपनी आर्मी जो है वो दुनिया की बेस्ट आर्मी मानी जाती है. ऐसा क्या आर्मी ने किया है, वो सारी चीजें जो कि आज अपन डिस्कस करने वाले हैं. ऑपरेशन मेघदूत के बारे में जानने वाले हैं. मेघदूत आपको मालूम है कालिदास जी का एक संस्कृत प्ले था, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत. और किस तरीके से सियाचिन, जो इंडो चाइना सियाचिन वॉर हुई, कंफ्लिक्ट हुई, उधर भारत ने जो है वो स्ट्रेटेजिकली पूरे एरिया को आज भी अपनी करंट पोजिशन में भी डोमिनेट कर रखा है. और पाकिस्तान को आज तक कम से कम छोटे बड़े मिला के कम से कम 7-8 बार कोशिश कर चुका है, लेकिन आज तक भारत से वो जगह नहीं ले पाया और ना ही कभी भविष्य में ले पाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले शेयर कर दो यार अपनी क्लास को, उसके बाद में फिर अपन स्टार्ट करते हैं. बेसिक से स्टार्ट करूंगा दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि सभी टाइम पे ज्वाइन करेंगे. मुझे मालूम है अभी मैं 5 मिनट कुछ बताऊंगा, उसके बाद नए बच्चे आएंगे, फिर वो बोलेंगे सर ये क्या हो गया, कहां से स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो पहले शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे ज्वाइन कर ले, ताकि सबको सब कुछ पता चल सके. ठीक है, हाँ ओके. तो आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो मैं इतिहास से 1947 से आपको बताने लगूंगा. सबसे पहले तो देखिए, आधे बच्चों को तो ये नहीं पता कि सियाचिन है कहां पे, सियाचिन का एरिया कहां पर है, सियाचिन को क्यों लेना जरूरी है, सियाचिन की वॉर में हुआ क्या था, क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, जबकि हमारे डेली के 6-7 करोड़ रुपए लगते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेट करने में. हमने आज तक जो है टोटल 900 जवान जो है वो हमारे शहीद हुए, जिसमें से 75% तो है जस्ट बिकॉज एवलेंस जाने की वजह से, हाई स्नोफॉल की वजह से, इन सब वजह से हुए हैं. तो हम इतने ज्यादा पैसे भी लगा रहे हैं, हमारे जवान भी जा रहे हैं, फिर भी हम इस एरिया को क्यों कैप्चर करे हुए हैं, इसका रीजन क्या है, वो सारी जानकारी जो है वो मैं आपको देने वाला हूं. और इसके अलावा आप सभी को मालूम है डेली के 6-7 करोड़ रुपए लगते हैं उस एरिया के अंदर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. दुनिया में सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड जो ग्राउंड है वो सियाचिन ही माना जाता है. आज तक दुनिया की कोई भी आर्मी इतनी हाइट के ऊपर कंट्रोल उसकी बस की बात नहीं है करने को लेकर. मैंने कुछ दिन पहले सुबह 8 बजे वाले में बताया था कि जो अपना हाई एल्टीट्यूड माउंटेन स्कूल है वहां पे यूके, यूएस, रशिया, बड़ी बड़ी आर्मी है, वो हमसे ट्रेनिंग लेने आती है कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर कैसे लड़ाई करी जाती है, कैसे सोल्जर जो है अपने आप को रखते हैं.
ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप अपने महारत हासिल करी है। और आपको मालूम है हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस होती है, उसके अलावा आपके फ्रॉस्ट बाइट होती है, ऑक्सीजन बहुत कम होता है, चल नहीं पाते हो आप, ऐसे 50 चीजें होती है ऐसे हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जब आप जाते हो। ऐसी कंडीशन के ऊपर भी लोग सर्वाइव करना मुश्किल होता है, और अगर कोई बैटल लड़ रहा है, बंदूक रख रहा है, चल रहा है, विजिलेंस कर रहा है और इतनी सारी चीजें रखा हुआ है, तो ये तो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। ठीक है, तो सबसे पहले शेयर कर दो ताकि अपन स्टार्ट कर सके। और सबसे पहले देखो आज की क्लास के बाद में आपको क्या सीखने को मिलने वाला है, आज की क्लास के बाद में आपको क्या सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आप अपने पूरे आने वाले जीवन में इन सभी का जवाब जो है वो किसी को भी दे पाओगे, ये सब है जो कि आज आप सीखने वाले हो। सबसे पहले व्हाट एंड वेयर इज द सियाचिन ग्लेशियर, क्या है सियाचिन ग्लेशियर, कहां पर है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। उसके बाद में कराची एग्रीमेंट में क्या हुआ था 1949 में क्या हुआ, उसके बाद में शिमला एग्रीमेंट के अंदर क्या हुआ, ठीक है, जिसके वजह से इसकी शुरुआत हुई इस मुद्दे की। ओके, तो आप इसके बारे में जानेंगे। व्हाई इट इज रिक्वायर्ड बाय बोथ द कंट्रीज, दोनों देशों को सियाचिन की जरूरत क्या है, सियाचिन ग्लेशियर की जरूरत क्या है, वहां पर कोई पेट्रोलियम है नहीं, वहां पर कोई आपके मिनरल्स है नहीं, वहां पर ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप बिजनेस बहुत बड़ा कर सकते हो, तो ऐसा क्या है वहां पे कि दोनों देशों को इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, ये आप समझ सकोगे। उसके बाद में 1984 में यानी कि 80s के टाइम पे क्या हुआ, ऑपरेशन मेघदूत के अंदर क्या हुआ, किसके द्वारा इस बैटल को जीता गया और कैसे जीता गया, और आज के टाइम पे करंट में क्या पोजीशन है, कौन सा देश कहां पर है और किसकी आर्मी कहां पर है, ये हम देखने वाले हैं। तो कुल मिला के पूरा मुद्दा जो है आपका कवर हो जाएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जो कि आपको पता नहीं होगी आज की क्लास के बाद में। ठीक है दोस्तों, ओके, तो ये सारी की सारी चीजें जो कि आज आप सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको कश्मीर के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं, जो कि ये पूरा का पूरा मैप है। देखिए दोस्तों, कश्मीर की बात करूं तो टोटल एरिया, अगर हम कश्मीर की टोटल एरिया की बात करें ना, तो हमारा कश्मीर का टोटल एरिया है 2,22,236 किलोमीटर स्क्वायर का, यह हमारा टोटल एरिया है। इसमें से जो इंडिया एडमिनिस्ट्रेट करता है यानी कि जो अपने पास में है जो है एरिया है, ये अपने पास में एरिया है जो कि करंट में है, ठीक है, ये अपने पास में पूरा एरिया है। हम करते हैं 101,336 किलोमीटर का स्क्वायर जो है एरिया है ये हमारे पास में है। इसके अलावा बात करूं पीओके वाला एरिया जो कि आपको नजर आ रहा है ग्रीन के अंदर, पीओके वाला जो एरिया है वो 85,000 कुछ समवेयर 8,47-46 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है जो कि ये पाकिस्तान के पास में है। अक्साई चीन की बात करूं जो कि चाइना के पास में, ये हमने 1947 वॉर के अंदर खोया था, हालांकि हम इस वॉर को जीत गए थे लेकिन यूएन के सीज फायर होने की वजह से जो जहां था वह वहीं पे रुक गया था, तो ये एरिया हमारा तब चला गया था। ये 1962 वॉर के अंदर चला गया था 37,000 ये कोई समवेयर 555 किलोमीटर के स्क्वायर का एरिया है जो कि हमने 1962 वॉर के अंदर खोया था, ठीक है, ओके। तो ये टोटल अभी कश्मीर का एरिया है जिसके बारे में मैंने आपको बात करी। ये जो शहजगंज वैली वाला जो एरिया है ये पाकिस्तान के पास में था लेकिन पाकिस्तान ने गिफ्ट में चाइना को दिया था, ठीक है, आपको मालूम है चाइना के बिना पाकिस्तान कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर, तो ये चाइना को गिफ्ट में दे दिया उसने शहजगंज वैली जिसको अपन कहते हैं। आज जो हमारा मुद्दा है वो कौन सा वाला मुद्दा है, ये सियाचिन वाला मुद्दा है। आपको मैप में नजर आ रहा होगा, आप अपने मोबाइल स्क्रीन को फुल स्क्रीन पे कर लेना, ठीक है, रोटेशन ऑफ करके ताकि आपको सब चीज नजर आ सके। तो ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर वाला एरिया जिसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं, ठीक है, ये अपना आज का पूरा मुद्दा है जिसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। देखो इतने बड़े कश्मीर के अंदर सियाचिन बहुत ही छोटा सा एरिया है, 1,000-1,500 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी के लेकर हम आज का जो हमारी लड़ाई थी वो भी इसी वजह से हुई थी। आपको जान के हैरानी होगी, कारगिल जो वो युद्ध हुआ था ना कारगिल वाला, वो कारगिल के अंदर अटैक इसने इसीलिए किया था पाकिस्तान ने कि हम क्या करेंगे, कारगिल को तब छोड़ेंगे जब इंडिया क्या छोड़ेगा, सियाचिन को छोड़ देगा। उसकी उसकी जो सोच थी वो यही थी कि हम कारगिल के ऊपर क्या कर लेंगे, हम कारगिल के ऊपर कब्जा कर लेंगे, और कारगिल पर हम कब्जा कर लेंगे अगर एक बार, तो उसके बाद में क्या करेंगे, हम बोलेंगे इंडिया को कि भाई कारगिल वाला एरिया जो है, ठीक है, वो हम तब खाली करेंगे, तब आप क्या करोगे, तब आप सियाचिन वाला एरिया खाली करोगे, ठीक है, ये उसका कहने का मतलब था। ओके, तब जब आप यहां से यहां पे जाते हो तब समवेयर यहां पे आता है कारगिल, ये कारगिल वाला एरिया है, ओके, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना मुद्दा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कश्मीर का पूरा मैप है जो कि समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। सबसे पहला सवाल देखते हैं कश्मीर इसके बारे में कि अपना ग्लेशियर जो है ये सियाचिन ग्लेशियर ये है क्या एक्चुअली के अंदर, ये वाला एरिया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए ये अक्साई चिन है जो कि चाइना के पास है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है पीओके जिसको अपन कहते हैं। अपन ने जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक करी थी वो पीओके के अंदर घुस के करी थी अपन ने, तो इस एरिया के अंदर ये आजाद कश्मीर वाला एरिया है जो कि पाकिस्तान कंट्रोल करता है, लेकिन ये एरिया ये जो लोग हैं वो अपने आप को आजाद कश्मीर के लोग कहते हैं, पीएम भी बना रखा है इन लोगों ने और अपने यहाँ पे है, लेकिन मेजरली बात करें तो ये पाकिस्तान इसको कंट्रोल करता है। जो रेड वाला एरिया है ये पूरा का पूरा अपना है, और हालांकि होता है तो पूरा ही अपना, लेकिन अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो यहां पे इस तरीके से इन देशों ने कब्जे कर रखे हैं। देखिए सियाचिन ग्लेशियर है क्या, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सियाचिन ग्लेशियर है क्या। और सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको शेयर कर दिया होगा अपने व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप के अंदर, ताकि सभी लोग जो है इसको ज्वाइन कर सके। हर देश के नागरिक के लिए स्टूडेंट के लिए ये सब जानना बहुत जरूरी होता है कि अपने देश के किस तरीके से इतने ज्यादा मेहनत करके कौन सा एरिया जो है अपन ने कौन सा युद्ध अपन ने जीता, ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। सियाचिन ग्लेशियर क्या है, एक ग्लेशियर है जो कि लोकेटेड है ईस्टर्न काराकोरम रेंज के अंदर। अब आप पूछेंगे सर काराकोरम रेंज कहां पर है, तो मैं आपको काराकोरम रेंज भी बता देता हूं। ये देखिए काराकोरम रेंज है, ये काराकोरम रेंज, ठीक है। तो ईस्टर्न वाला जो इसका एरिया है यहां पे है अपना सियाचिन एरिया। तो ये क्या है, ईस्टर्न काराकोरम रेंज के अंदर हिमालयस के अंदर आता है जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, पॉइंट NJ9842 के। ये 9842 पॉइंट कौन सा है, ये लास्ट पॉइंट है जो कि अपन LOC का कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं ना LOC। तो जो LOC का जो लास्ट पॉइंट है वो NJ9842 है, जहां तक अपना क्या हुआ था, डिमार्केशन हुआ था, लाइन बनाई गई थी दोनों देशों के बीच में बॉर्डर की, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जहां पे इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो एंड होती है। ये एक 76 किलोमीटर की लॉन्ग रेंज है, लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कहा जाता है काराकोरम का, और सेकेंड लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड के अंदर नॉन पोलर एरियाज के हिसाब से। सेकेंड सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो कि अपने सियाचिन ग्लेशियर को कहा जाता है, नॉन पोलर एरियाज में बात करें तो नंबर वन ही कह सकते हो आप इसको। एल्टीट्यूड आप देख सकते हो बहुत ज्यादा हाइट है, 5753 मीटर, ऑलमोस्ट 6000 मीटर के पास में इसकी हाइट है, अबव द सी लेवल। आपको मालूम है 8848 तो माउंट एवरेस्ट ही है यार दुनिया के सबसे ऊंचा, 6000 मीटर के ऊपर सियाचिन है। अपने देश का सबसे पहला पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट को, जो हमने जीता था इस सियाचिन वॉर के अंदर, ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहां पर है यह भी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। ये मैंने हिंदी में कर दिया, जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो उसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद में पढ़ लेना। चलिए अब देखिए ये अपना जो सियाचिन, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सियाचिन जो है वो तो क्या है। अब सियाचिन तो आपको समझ में आ गया, सियाचिन ग्लेशियर है क्या एक्चुअली के अंदर। अब देखते हैं दोस्तों, मैंने आपको सेकेंड सवाल बोला था कि ये 9842 क्या है। अब देखिए ये अपनी पूरी की पूरी LOC है, शिमला एग्रीमेंट और कराची एग्रीमेंट में क्या बात हुई थी कि यहां तक डिमार्केशन किया गया NJ9842 तक, इसके आगे का जो एरिया है ना वो छोड़ दिया गया था क्योंकि बहुत ज्यादा स्नो वाला एरिया है, माउंटेन एरिया है, ठीक है, ग्लेशियर वाला एरिया है। तो किसी की दोनों देशों को यह लगा कि इस देश के इस एरिया के बारे में डिमार्केशन करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों देश इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बर्फीला एरिया है, कोई यहां पे सेना रुक नहीं सकती, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये देखो दिख रहा है आपको, ये पूरी लाइन है जो कि कराची एग्रीमेंट के अंदर बनाई गई थी, ये वाला एरिया जो है वो छोड़ दिया गया पूरी तरीके से कि भाई इस एरिया को लेकर कौन क्या देश के क्या काम आएगा, समझ गए मेरी बात, ठीक है। कराची एग्रीमेंट में आपको बता देता हूं कराची एग्रीमेंट क्या है एक्चुअली में, और एंटायर जो है सियाचिन ग्लेशियर जो है वो अपने इंडिया के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है 1984 के बाद में, और पाकिस्तान जो कंट्रोल करता है वो सल्टोरो रेंज का जो, ठीक है, नीचे वाला पार्ट है वो ये क्या करता है, उसको होल्ड करता है, समझ गए। और नियर बाय 100 इंडियन पोस्ट है जो कि सल्टोरो रेंज के ऊपर हमने बना रखी है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको पहले सल्टोरो रेंज भी बता देता हूं। सल्टोरो रेंज क्या है, ये वाली जो रेंज है वो सल्टोरो रेंज कहते हैं इसको अपन। तो इसका जो नीचे वाला जो एरिया है वहां पे पाकिस्तान है, और जो ऊपर वाला एरिया जो अपन ने जीता हुआ है वो इंडिया का, क्योंकि ऊपर अगर आप रहते हो तो आपके काफी फायदा होता है, आपको कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है नीचे वालों को, समझ गए। तो इसलिए ऊपर वाले में इंडिया ने कंट्रोल कर रखा, नीचे वाला छोड़ दिया पाकिस्तान के लिए, तो वो पाकिस्तान कर लेता है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसको लेकर। अब देखिए कराची एग्रीमेंट में क्या बात हुई, कराची एग्रीमेंट ये आपके सामने है,
इसके अंदर पैराग्राफ बी टू डी के अंदर लिखा हुआ है कि जो भाई हमने यूएन ने जो मैंडेट करा है सीज फायर 1949 के अंदर, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन है, वो डिमार्केट हुई है अप टू द पॉइंट 9NJ9842 उसके फुट ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर तक जो है वो डिमार्केशन किया गया। उसका आगे का एरिया बहुत ही इनएक्सेसिबल एरिया है, यानी कि उसको बहुत ही ज्यादा दुर्गम एरिया है, वहां पे जाने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए उसके आगे का एरिया को डिमार्केट नहीं किया गया। ओके, ये पूरा का पूरा यहां पे लिखा हुआ है छोटी लोकल लैंग्वेज के अंदर भी, मतलब लोकली जो वहां पे एरियाज है उसके हिसाब से, ठीक है। अब ये मैप आपको नजर आ रहा है, तो यहां तक तो है डिमार्केट किया गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है, उम्मीद है आपको पहला जवाब मिल गया, सियाचिन ग्लेशियर है क्या, ठीक है। सिया का मतलब होता है रोज, और सियाचिन का मतलब होता है जहां पे ग्लो करता है, तो रोज जहां पे ग्लो करता है उस एरिया को सियाचिन, ऐसा ये नाम दिया गया वहां के लोकल लैंग्वेज के अंदर। दूसरा जवाब आपको मिल गया, कराची एग्रीमेंट और शिमला एग्रीमेंट दोनों के अंदर जो है, शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972-71 के अंदर, तभी भी लाइन यहां तक ही डिमार्केट करी गई थी, समझ गए, कराची और शिमला दोनों में लाइन जो है वो यहीं तक ही दिया गई थी। तीसरा सवाल जो मैंने आपसे बोला था कि दोनों देशों को इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, अब समझने की कोशिश करें दोनों देश इसको क्यों चाहते हैं इसको, ठीक है। अब देखो भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर ये एरिया हमारे हाथ से चला जाता है तो चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलके एक कंप्लीट लाइन यहां पे बना लेंगे, और उसके बाद में ये वाला एरिया भी भारत के लिए एडमिनिस्ट्रेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये एरिया भी भारत के हाथ से चला जाएगा। यहां पे जो अपना कारगिल एरिया है वो नीचे है और ये वाली पोस्ट बहुत ऊपर है, तो फिर इससे जो है हमारे कारगिल को भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कुल मिला के बात करें तो अगर अपने हाथ से ये एरिया चला गया तो पूरा लद्दाख जो है वो हमारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि एक ही रोड है आपको मालूम है जो कि श्रीनगर से जो है वो लद्दाख को जोड़ती है, एक ही रोड है, द्रास हो गया, कारगिल हो गया, ये पूरा का पूरा एक ही रोड है। तो अगर आपने इस रोड को अगर ब्लॉक कर दिया और ये एरिया अगर आपसे हाथ से चला गया तो मान लो पूरा का पूरा लद्दाख आपके हाथ से चला गया, तो इसीलिए जो है वो क्या किया गया, इसीलिए भारत के लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चाइना और पाकिस्तान को मिलने से जोड़ता है। चाइना पाकिस्तान ये चाहता है कि हम यहां पे एक सिंगल दोनों देश मिलके रोड सिंगल एक एरिया कैप्चर कर ले, उसके बाद में ये वाला भी कर ले और ये वाला भी कर ले, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी रही है शुरू से, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हालांकि रोड जो है वो पाकिस्तान से चाइना भी जाती है सियाचिन से साइड से, लेकिन वो बहुत ज्यादा मुश्किल टेरेन है, तो वहां पे कोई ध्यान नहीं देता। अगर ये एरिया हमने अगर क्या कर रखा है, बीच में दोनों देशों की एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो ना तो चाइना आ पाता है यहां से, ना पाकिस्तान यहां से आ पाता है। इस वजह से हमारे लिए डेली के 7 करोड़ रुपए लग रहे हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए लगाना बहुत जरूरी है ताकि हम हमारा पूरा लद्दाख जो है वो स्ट्रेटेजिकली बचा सके, समझिए। तो यहां से ऊपर वाली पोस्ट भारत ने कब्जे में ले रखी है, तो ना तो पाकिस्तान की हिम्मत होती है, ना यहां से चाइना की हिम्मत होती है कि वो सियाचिन को हमसे ले सके, ठीक है। ये पूरा का पूरा मुद्दा है जिसकी वजह से दोनों देश इसको चाहते हैं। उम्मीद है कि आप तीसरे वाला सवाल का जवाब भी समझ गए होंगे कि दोनों देशों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, समझ गए इस बात को। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं 1970s-60s के टाइम पे क्या हुआ, यह भी जानना बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों हुआ क्या 1960s-70s में, क्या होने लगा था कि यूरोप के अंदर जो ट्रैकिंग होती है ना, वो बहुत ज्यादा लोग जो है उसमें इंटरेस्टेड होने लगे थे, लोगों को ट्रैक करना, माउंटेन पे चढ़ना, ये लोगों के बहुत ही प्राइम इंटरेस्ट है जो कि क्रिएट हो गया था। वहां का यूथ बहुत इंटरेस्टेड था बहुत ही ज्यादा एडवेंचर एक्टिविटीज करने को लेकर। ये यूरोप के अंदर स्टार्ट हो चुका था 70s-60s के टाइम पे, 80s के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग इसके माउंटेनियरिंग करने लगे थे। काराकोरम की बात करें तो आपको मालूम है काराकोरम रेंज दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट रेंजेस में मानी जाती है। अगर किसी को ट्रैक करना है, किसी को माउंटेन क्लाइंब करना है, माउंट एवरेस्ट सबके चढ़ने की बस की बात नहीं है, माउंट एवरेस्ट से थोड़ा ही नीचे है काराकोरम रेंज और काराकोरम पास, तो वहां पे लोग जाने में इंटरेस्टेड थे। तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया था, एक्सपीडिशन अलाउ कर दिया इस एरिया के अंदर, ठीक है। इस एरिया में जो है वो एक्सपीडिशन क्या है अलाउ कर दिया और बोला कि भाई आप हमारी गवर्नमेंट से आके परमिशन लेके सियाचिन और जो काराकोरम वाला जो एरिया है यहां पे आप एक्सपीडिशन कर सकते हो, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया कि चलो ठीक है, एक्सपीडिशन अलाउ कर दिया, यूरोपियन कई सारे आते, पाकिस्तानी उनको मदद करते और वो ट्रैक करना चालू कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से सियाचिन वाला जो एरिया को ट्रैक करना जो है वो काफी सिंपल था, भारत की तरफ से काफी मुश्किल था, क्योंकि काफी टेढ़ा, काफी जो है ना जो उसकी इंक्लिनेशन था वो बहुत
ही ज्यादा कम थी उसकी, ठीक है, बहुत ज्यादा थी उसकी इंक्लिनेशन, तो उस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो कुछ एक दो जर्मन, ये बात है 1970s की, इंदिरा गांधी जी अब उस टाइम पे पीएम थी, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो अपने हाई एल्टीट्यूड माउंटेन स्कूल के जो हेड है, ठीक है, नरेंद्र जी, उनके पास में दो जर्मन लोग आते हैं। जर्मन लोग क्या लेके आते हैं, परमिशन लेने आते हैं कि हमें आपकी साइड से क्या करना है, हमें इसको क्लाइम करना है, हमें यहां पे जाना है। नरेंद्र जी का दिमाग खराब हो गया ये जान के, जब उन्होंने मैप देखा और उसके अंदर, उस जर्मन मैप के अंदर पाकिस्तान को, ये जो एरिया है ना, ये एरिया पूरा पाकिस्तान को बता रखा था, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या क्लेम किया कि भाई डिमार्केशन तो यहां तक है, तो हमने ये जो पूरी लाइन है ना वो हमारी है, इसका पीछे का एरिया पूरा हमारा है, जबकि डिमार्केशन यहीं तक ही हुआ था। और भारत ने क्या क्लेम किया कि ये एरिया जो है डिमार्केशन कुछ इस प्रकार से है, तो ये तो पीओके का क्लेम था, ये वाली लाइन पाकिस्तान का क्लेम था और ये इंडिया की क्लेम था। हालांकि दोनों ही देशों के पास में इसके राइट नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान ने पहले बोल दिया कि हमने हमारी जो है वो लाइन ये वाली है, ये जो NG-82 है वो आगे जाएगी इस प्रकार से, जबकि ये कोई बात ही नहीं हुई थी, लेकिन पाकिस्तान ने बिन बात ही ये एरिया अपने पास में रख लिया और यहां से एक्सपीडिशन चालू कर दिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चालू कर दिया कि अगर आपको इस एरिया में जाना है तो हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तुमसे परमिशन क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास ये एरिया, सिंपल सी बात है। भारत ने को जब ये नरेंद्र जी को ये बात पता लगी, कर्नल को पता लगी उनको, तो वो सीधे के सीधे डिफेंस के जो अपने हेड है उनके पास में गए और वहां पे पूरा का पूरा मैप, और उनसे जर्मन लोगों से उन्होंने वो मैप भी खरीद लिया कि जो यूरोपियन मैप जो है वो मैप भी खरीद लिया, जिसके अंदर ये वाला जो एरिया है वो पाकिस्तान ने खुद का बता रखा था, ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो पाकिस्तान ने खुद का बता रखा था। ओके, तो ये पूरा का पूरा बात हो गई वहां पे। चलते आगे की तरफ। अब ये बात होने के बाद में जब अपने सीनियर की तरफ गए वो, तो सीनियर ने बात ये उनको बोली कि भाई ये एरिया डिमार्केटेड नहीं है और ये एरिया जो है पाकिस्तान एडमिनिस्टर नहीं कर सकता है। तो इंडिया ने भी क्या किया कि भाई चलो ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को हम भी क्या करते हैं, यहां से अलाउ कर देते हैं एक्सपेडिशन करने को लेकर, और एक टीम बनाई गई नरेंद्र जी के अध्यक्षता के अंदर कि आप जाओ और इस पूरे के पूरे एरिया को देख के आओ, सियाचिन वाले को, कि यहां पे क्या एक्टिविटीज हो रही है। ये होने के बाद में बात आती है, इंदिरा गांधी जी ने ये उस टाइम पे कमिटी बनाई थी, बोला था कि आप इसको देख के आ जाओ एक बार क्या हो रहा है वहां पे, और देखने के बाद पता लगा कि यहां पे पाकिस्तान ने जो अपनी अपनी पूरी तरीके से एक्टिविटीज है उसको बढ़ा रखा है, लोग एक्सपीडिशन कर रहे हैं वहां से। तो ये भारत को उस टाइम पे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि इस एरिया के अंदर कोई भी डिमार्केशन नहीं हो रखा था। अब जब ये मुद्दा हो गया तो पाकिस्तान ने पीछे पीछे जो है, ये देखिए ये वाले जो NG-82 के आगे जो है वाले जो लाइन है, ये पाकिस्तान ने बता रखी है प्रपोज लाइन, ओके, और ये भारत ने बता, ये भारत का एरिया है, अपन इसको क्या बोलते हैं, AGPL कहते हैं, एक्चुअल ग्राउंड, ठीक है, एक्चुअल ग्राउंड लाइन कहते हैं हम इसको, AGPL, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन, ये हमारी AGPL लाइन है, एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन कहते हैं हम इस वाली लाइन को, ठीक है। पाकिस्तान बोलता है कि इस एरिया को खाली करो और अपने पास में ये एरिया जो अपन उसको कभी करेंगे भी नहीं। ये नुब्रा वैली है, नीचे की तरफ जाती है, सियाचिन से पानी बहता हुआ नुब्रा वैली में जाता है और फिर वहां से खरदुंगला पास के पास जाता है। खरदुंगला पास जो है वो दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी है, ठीक है, और ये नुब्रा वैली है। यहां पे लास्ट गांव, अगर आप कल को लद्दाख जाते हैं, ले जाते हैं अगर बाइक से, तो आपको लास्ट गांव जो है वो तुरतुक नाम का एक गांव मिलेगा, वो लास्ट गांव होता है यहां पे तुरतुक, ठीक है। तो 2014 के अंदर जो है, जब मैं मेरा खुद का जो है वो यहां तक की कवर करा हुआ है। खरदुंगला पास बाइक से जाओगे आप, जो कि 6000 मीटर के समवेयर ऊपर है, उसके बाद नुब्रा वैली आती है, उसके बाद दीक्षित नाम से एक जगह आती है, फिर आप जाते हो तो लास्ट गांव जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो आता है तुरतुक नाम का। और तुरतुक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैं आपको इमेजेस दिखा नहीं पाया, मेरे पास फोटोज पड़ी है उसकी, तो मैं इसमें ऐड ऑन नहीं किया, कभी फ्यूचर में आपको दिखाऊंगा, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो खरदुंगला पास और इस तरीके से आप यहां तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाइक से भी जा सकते हो, बहुत ज्यादा स्नोफॉल एरिया वाला एरिया है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डिमार्केट किया गया। अब उसके बाद में देखिए हुआ क्या कि कुछ दिन बाद में ही पाकिस्तान ने क्या हुआ, भारत के इंटेलिजेंस को एक रिपोर्ट मिलती है कि पाकिस्तान जो है वो इसके ऊपर स्केल करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान अपनी मिलिट्री जो है वो आगे भेजने की कोशिश कर रहा है इस एरिया को पूरी तरीके से जो है कंट्रोल करने को लेकर, ठीक है। ये बात भारतीय इंटेलिजेंस को पता लगती है और भारतीय इंटेलिजेंस क्या करती है कि इंग्लैंड के अंदर फोन करके ऑर्डर करती है कुछ इक्विपमेंट्स जो कि हमारे जवानों को मदद करेंगे कहां पे, सियाचिन वाले एरिया को कंट्रोल करने के अंदर।
जैसे ही भारतीय फोन जो है भारत जो है वो लंदन के अंदर अपना ऑर्डर प्लेस करता है, जिसके अंदर थे गोगल्स, थे आपके थर्मोकोट, थे इसके अलावा आपके आइस एक्सेस होती है जिससे आप चलते हो, ठीक है, इसके अलावा आइस जैकेट्स होती है, ओके, हेड टेप होते हैं, तो कैसे कई सारे इक्विपमेंट आपको बर्फ में चाहिए होते हैं जो कि ना तो इंडिया के पास थे ना पाकिस्तान के पास थे उस टाइम पे। तो भारत ने जिस कॉन्ट्रैक्टर को फोन किया वो कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलता है कि हमारे पास ऑलरेडी 150 ऐसे इक्विपमेंट के ऑर्डर आए हुए, तो मैं आपका ऑर्डर पूरा नहीं कर सकता अभी। अब ये बात सुनते ही इंडियन आर्मी के भी, ये बात सुनते ही नरेंद्र जी का भी दिमाग खराब हो गया कि 150 ऑर्डर किसने करे। तो ये बात पता लगती है कि पाकिस्तान जो है उसने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है और वो क्या कर रहा है, इक्विपमेंट लेके पहले चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। भारत को ये बात पता लगती है, भारत ने 300 ऑर्डर करे उसी से और कहीं और से भी ऑर्डर करके 300 इक्विपमेंट जो है उनसे पहले मंगवा लिए और एक्सपीडिशन चालू कर दिया। भारत ने बड़ी मुश्किल थी उस टाइम पे, क्योंकि आपको मालूम है पहली बार इतनी हाइट के ऊपर कोई जा रहा था, इक्विपमेंट तो अब भारत के पास आ गए थे लेकिन उसके बाद में भी बहुत मुश्किलें थी, इतनी लो ऑक्सीजन के अंदर मैनेज करना बड़ा मुश्किल था। पहली बार जब नरेंद्र जी की टीम वहां पे गई तो हेलीकॉप्टर जो है उनको छोड़ने गया तो उतरने के अंदर इतनी मुश्किल थी कि कौन से एरिया के अंदर उतरे, कहीं आपने जंप किया और आपके स्नो के अंदर तो नहीं चले जाओगे कहीं, तो उस टाइम पे पहले बोरियां पटकी गई नीचे की तरफ, देखा गया कौन सा मुश्किल, कौन सा एरिया जो कि थोड़ा टफ है जहां पे आप उतर सकते हो। हर एक कदम सोच समझ के रखने की जरूरत थी क्योंकि किस एरिया में आप कब नीचे चले जाओ कुछ कह नहीं सकते। इतनी मुश्किलों के अंदर भारत ने क्या किया, इस एक्सपीडिशन को स्टार्ट किया और ठीक है आप देख सकते हैं ये वाला जो पूरा एरिया है। तो इसी टाइम पे जो है पाकिस्तान के एक जनरल का भी एक वहां पे उस टाइम पे स्टेटमेंट आया था कि रावलपिंडी के हेडक्वार्टर के अंदर मीटिंग हुई है और भारत ने भी एक्सपेडिशन स्टार्ट कर दिया है ग्लेशियर पे, और पाकिस्तान ने ऑपरेशन अबाबिल नाम से स्टार्ट किया था। जैसे अपना ऑपरेशन मेघदूत था वो तो अब पाकिस्तान से लड़ाई को था, ऑपरेशन अबाबिल जो है वो पूरे सियाचिन को कंट्रोल करने को लेकर पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो टैक्टिकल एरर पाकिस्तान का हो गया, पाकिस्तान और लंदन के अंदर जो है उन्होंने आउटफिटर्स को जो है ऑर्डर किए थे आर्टिक वेदर गियर्स, आर्टिक वेदर गियर्स काम आते हैं, आपको देखने में मदद करते हैं स्नो के अंदर भी, ठीक है, वो सब अलाउ। और लेकिन उसी टाइम पे इंडिया ने क्या कर दिया, पता लग गया और इंडिया ने 300 आउटफिट जो है वो ऑर्डर करे जो कि उनसे डबल थे, ठीक है, और उनसे पहले भी जो है उनकी डिलीवरी हो गई। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है जो कि पाकिस्तानी जनरल का उस टाइम पे आया था। उसके बाद स्टार्ट होता है 1984 में ऑपरेशन मेघदूत। ओके, इंडियन आर्मी ने प्लान किया कि वो ग्लेशियर को 13 अप्रैल 1984 को क्या करेगा, इसको कवर करेगा। चार दिन पहले जब पाकिस्तान सोच रहा था कि वो चले जाएगा, पाकिस्तान का प्लान था 17 अप्रैल को जाने का, लेकिन बाकी भारत ने जो है वो 13 अप्रैल पहले ही डिसाइड कर लिया और इसकी खबर किसी को भी नहीं थी, क्योंकि बात करें जनरल प्रेमचंद जो हून थे, प्रेमनाथ हून जिन्होंने लीड किया था इस ऑपरेशन को, तो उन्होंने डेट रखी 13 अप्रैल। 13 अप्रैल जो है वो पाकिस्तान को लगा कि ये डेट तो हो ही नहीं सकती क्योंकि उस दिन बैसाखी वाला टाइम होता है और बैसाखी वाले फेस्टिवल के टाइम पे आप ऐसा कोई काम नहीं करते हो, समझ रहे हो, आप अपने मगन रहते हो काम के अंदर, तो उनको लगा कि भारत नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों जो एक टास्क था ऑक्यूपाई करने का सल्टारो रेंज का, वो 26 सेक्टर कमांडेड जो कि विजय चाना और हून इन सब ने क्या किया, लीड किया इसको और इस ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया 13 तारीख को ही। कौन कौन से एरिया थे दोस्तों जो कि भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट थे, ये देखिए पूरा का पूरा एरिया है जो कि मैं आपको बता रहा था सियाचिन वाला, ठीक है, और ये काराकोरम पास है साइड है और ये पूरी की पूरी काराकोरम रेंज है। भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि ये जो पासेस है शायला, बिलापोरला, गोयंगला, इनको कवर करना, ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक्स है, वहां के हाईएस्ट माउंटेन पासेस है। अगर भारत ने ये कवर कर लिए तो भारत जो है आसानी से नीचे वालों को जो है मतलब चुन चुन के आराम से सिर पे गोली मार सकता है, अगर भारत ने ये एरिया कवर कर लिया तो। भारत ने ये किया सल्टारो रेंज का जो सबसे बड़े पासेस है, पास क्या होते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया जाने के लिए आपको पास चाहिए होते हैं, समझे, पास से तो जाते हो आप इस तरीके से, तो ये पासेस है। नीचे वाला जो एरिया होता है उसको अपन कॉल कहते हैं, तो ये इंदिरा कॉल है, हमारा सबसे पहला नॉर्थ का पॉइंट, देश का पहला पॉइंट इंदिरा कॉल है। तो यहां पे टीम भेजी गई और शियानला, बेलाफोरला, इन सब के ऊपर कंट्रोल कर लिया गया। हालांकि उस टाइम पे क्या हुआ, जो ये नरेंद्र जी थे, जो ह्यून थे जिन्होंने लीड किया था, ये देखिए अंडर द लीडरशिप ऑफ मनोहर लाल छिबर, जनरल शिव शर्मा, पीएन ह्यून, इन्होंने प्लान किया और शियाला, बिलापोरला को कंट्रोल कर लिया पहले ही, ओके, और उसको पूरी तरीके से पासेस को अपने अंडर में कर लिया। उस टाइम पे ऐसा था कि पूरा का पूरा बर्फीले तूफान चलता था, अपना जवान जो है वो उस बर्फीले तूफान के अंदर भी
नजर गड़ा रखता था कि कोई आ तो नहीं रहा उस टाइम पे। जैसे ही एक दिन ऐसी खबर लगी कि किसी वहां पे कोई एक्टिविटीज हो रही है, ब्लैक कलर के अंदर कोई लोग नजर आए, और जैसे ही ह्यून बाहर आते हैं तो गोलीबारी स्टार्ट होती है, भारत का एक जवान शहीद होता है। लेकिन फाइनली काफी देर लड़ने के बाद में बिलाफोर्ड जो ला है वो भारत के द्वारा ही कंट्रोल किया कर लिया जाता है। लद्दाख स्क्वाड्स जो कि इस वाले एरिया के अंदर काफी फेमस है, हाई माउंटेन के अंदर लड़ाई करने को लेकर उन्होंने मदद करी, कुमुन रेजिमेंट ने मदद करी, और 13 अप्रैल को बिलाफोर्ड ला और 17 को श्यालला जो है वो भारत के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है इंडियन एयरफोर्स की मदद से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भारत ने क्या किया, इस पूरे एरिया को कंट्रोल कर लिया अपने कब्जे में। काफी बार पाकिस्तान ने दो दो तीन तीन दिन में कोशिश करी अपने जवानों को ऊपर भेज के कि वो कैसे ना कैसे करके कंट्रोल करें, लेकिन भारतीय आर्मी ने उनको एक मूवमेंट भी ऊपर नहीं आने दिया और पूरी तरीके से कंट्रोल रखा। जब वो ऊपर आ भी गए तब भी भारतीय जवान इतने ज्यादा मजबूत थे इस एरिया के अंदर, उनका जज्बा इतना तेज था कि पाकिस्तान के डबल सोल्जर को भी उन्होंने उस टाइम पे हरा दिया और पाकिस्तान को मजबूरी में फिर नीचे की तरफ लौटना पड़ा और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो फिर उन्होंने नीचे की वाली जो पोस्ट है वहीं पर ही कंट्रोल करके अपनी पोस्टें बना ली। क्योंकि सिंपल सी बात है, ऊपर नहीं जा पाएंगे तो बेचारे कहीं ना कहीं तो बनाते, तो फिर नीचे वाले एरिया पे उन्होंने पोस्ट बना के यहां वाला जो एरिया वो कैप्चर वाला एरिया जो पीओके वाला है वो अपने पास रखा, इस डर से कि कहीं इंडियन आर्मी जो है वो पूरा आगे आके ये वाला एरिया नहीं ले जाए। इस वजह से उन्होंने अपनी नीचे की तरफ जो है वो पोस्ट बना ली। लेकिन अपना देश का सिद्धांत रहा है, अपन ने कभी किसी का एरिया कैप्चर नहीं किया आगे होके, हमेशा अपन ने जो अपना एरिया है उसी को डिफेंड किया है। ठीक है दोस्तों, उसी के कुछ टाइम बाद में 3 साल बाद में एक पोस्ट थी जो कि पाकिस्तान के पास में चली गई थी। पाकिस्तान ने क्या किया, यहां पे एक स्ट्रेटेजी पाकिस्तान ने भी खेली, उन्होंने क्या किया कि ये तो बहुत ऊंचे वाले एरिया ही थे लेकिन यहां पे एक एरिया था क्विंड पोस्ट करके, QUIND क्विंड पोस्ट नाम से एक एरिया था वो बना ली। क्विंड पोस्ट इस वाले एरिया में जो कि हाइट के ऊपर थी, एकमात्र पोस्ट थी जो कि भारत के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान क्या कर सकता था उस ऊंची वाली पोस्ट से यहां पे नजर रख सकता था। ठीक है, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी ज्यादा थी, तो वो एरिया वो जो पोस्ट है वो उसने रख ली क्योंकि वो पीओके वाले एरिया में से थोड़े से पास में ही था। और फाइनली भारत को भी पता लगता है कि ये एरिया जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है क्योंकि पाकिस्तान यहां से हमें नजर गड़ा है। तो भारत ने स्टार्ट किया ऑपरेशन राजीव। 3 साल बाद में इंडियन ट्रूप्स ने पोजिशन ले ली क्रिटिकल पास के ऊपर। पाकिस्तान आर्मी को पता लग गया था इस बारे में लेकिन फाइनली कुछ नहीं हो पाया। डे लाइट के अंदर बड़ी मुश्किल से जो है खड़ी चढ़ाई के ऊपर चढ़ाई करते हुए अपने जो जवान थे उस वाली पोस्ट तक पहुंचे और क्वांड पोस्ट को भी अपने कब्जे में ले लिया। उस टाइम पे अपने एक जवान थे, ठीक है, बना सिंह, तो वो शहीद हुए सक्सेसफुल स्ट्राइक के अंदर। मेजर वरिंदर सिंह, राजीव पांडे, ठीक है, चंदन, ये सारे अपने जवान थे जो कि ब्रिगेडियर जनरल, इन्होंने उस पोस्ट के ऊपर कब्जा किया और अपने जो बना सिंह जी थे वो इस लड़ाई के अंदर शहीद हो गए और फाइनली उन्हीं के नाम पे जो है वो पोस्ट बनाया। आज उसको अपन बना पोस्ट के नाम से जानते हैं जो कि किसी टाइम पे क्वांड पोस्ट के नाम पे था। तो ये पोस्ट भी अब भारत ने ही ले ली है, सक्सेसफुल हुआ ऑपरेशन और बाद में उनको परमवीर चक्र से भी नवाजा गया जो कि अब देश का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। ये बना पोस्ट उनके ऑनर में ही है। वहीं पे अपन ने एक मेमोरियल भी बना रखा है जहां पे जितने भी अपने जवान है वहां पे, ठीक है, हमेशा सैल्यूट, हमेशा उनको ऑनर करते हैं। ये देखिए वर्ल्ड का हाईएस्ट हेलीपैड जो है वो सोनम पोस्ट के ऊपर बना रखा है अपन ने, और ये ऊपर का जो एरिया है ये वो बना पोस्ट है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये वो बना जी है जिनके बारे में बात कर रहा हूं और इस तरीके से वो ऑपरेशन किए गए और इस एरिया को कैप्चर किया गया। क्वांड पोस्ट देन आज क्या है, अपन इसको बना पोस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, द पोस्ट इसका नाम था क्वांड नाम था जो कि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के कंट्रोल में था, तो इनके नाम पे मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे इस पोस्ट का नाम रखा गया था। बाद में बना पोस्ट रख दिया गया क्योंकि आपने जो बना सिंह थे उन्होंने जिस तरीके से एग्जाम्पलरी करेज दिखाया और पूरी खड़ी चढ़ाई के ऊपर चढ़ाई करी थी उन्होंने, आपने लक्ष्य मूवी देखी होगी ना, तो वैसे ही कुछ खड़ी चढ़ाई थी। पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से कोई ऑपरेशन कर सकता है क्वांड पोस्ट के ऊपर, तो ऐसी पोस्ट पे डे लाइट में जाके उनके ऊपर अटैक करके उनको वहां से भगाया। 1987 के अंदर ये पोस्ट कैप्चर करी। सोनम पोस्ट में जो मैंने अभी आपको दिखाई दोस्तों ये वही पोस्ट थी जहां पे अपने लांस नायक हनुमंत था। अभी कुछ एक दो साल पहले की बात है, कई दिनों तक जो है वो बिन पानी के रहे थे और अपने फाइनली जो है इंडियन आर्मी ने उनको एयरफोर्स ने बचाया भी था लेकिन ऑपरेशन जो वहां पे हॉस्पिटल में उन्होंने फाइनली वो शहीद हो गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल थी। ये सोनम पोस्ट वही पोस्ट है जहां पे हनुमंता जी काफी टाइम तक गड़े हुए थे और अपनी सांसें उन्होंने चला रखी थी। ओके, और 29 ईयर्स अगो मेजर वरिंदर सिंह ने अपनी टीम ने ये सोनम
पोस्ट और जो ये बना पोस्ट, ये क्वांट पोस्ट है, इसको कब्जे में लिया था। ठीक है, ये देख सकते हो आप, यहां तक का एरिया था जो कि वीरेंद्र सिंह जी ने लीड करके इस पीक को चढ़ाई करी थी। ओके, प्रेजेंट सिचुएशन की बात करता हूं दोस्तों। उम्मीद है कि आपको 1984 के बारे में भी पूरा पता चल गया होगा, किस तरीके से ऑपरेशन हुआ, क्या जरूरत हुई, कैसे अपने को इंटेलिजेंस ने अपने को बताया और पूरा ऑपरेशन अपन ने सक्सेसफुली करवाया। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो परवेज मुशर्रफ ने भी ये चीज मानी अपने मेमोरियल के अंदर कि हमने क्या किया, 2300 किलोमीटर का स्क्वायर का जो एरिया है, ठीक है, जो हमने क्लेम किया था वो भारत के हाथों हम हार चुके हैं। ओके, और पाकिस्तान ने उसके बाद में कई बार कोशिश करी 90 के अंदर, 95, 96, इनफैक्ट 99 के कारगिल के टाइम पे भी, कि वो वापस से भारत से छुड़ा ले, लेकिन आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ कि वो भारत के कंट्रोल से इस पोजीशन को छुड़ा ले। और पूरा 76 किलोमीटर का जो लॉन्ग सियाचिन ग्लेशियर है और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मेन पासेस है, हाइट है, सल्डारो रेंज है, वो सारी की सारी भारत के ही हाथ में है। शियाला, बिलापोरला, गयांगला, ये सारे के सारे टैक्टिकल एडवांटेज के हिसाब से भारत के ही पास में है। ओके, और जो नीचे की जो रेंजेस है वो पाकिस्तान ने कर रखी है, जिसका कोई मतलब नहीं है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पूरा एरिया जो है वो इंडिया के कब्जे के अंदर ही है, और जब तक इंडियन आर्मी यहां पे है और तब तक कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो हमारे हाथ से चले जाए। दुनिया की सबसे हाईएस्ट, कोल्डेस्ट और कॉस्टलीएस्ट बैटल जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, 84 के अंदर हमने ऑपरेशन मेघदूत किया, पाकिस्तान के ऑपरेशन अबाबिल को हटाया वहां से, एक दिन के अंदर ही कुछ दिनों में डोमिनेट किया, 4 करोड़ रुपए कुछ सालों पहले तक, और आज नियर बाय 6 से 7 करोड़ रुपए पर डे लगते हैं यहां पे। हमने आज तक जो है वो 900 जवान है जो कि हमने यहां पे हमने खोए हैं 1984 के बाद में। 3-4 जवान जो है वो लैंडस्लाइड, एवलैंच, हार्श वेदर कंडीशन की वजह से जो है वो शहीद होते हैं, और पाकिस्तान के तो इनफैक्ट दुगना तिगना जवान है जो कि यहां पे हर साल मरते हैं, जबकि उनकी पोस्ट है वो हमसे नीचे है, इवन दो वहां पे एवलेंच जो है उसकी वजह से वो मरते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई थी कि ये प्रिवेंट करता है पाकिस्तान और चाइनीज आर्मी को लिंक होने से काराकोरम पास के ऊपर, और ये हमारे लद्दाख को सेव करता है। इंडिया की पोजिशन की बात करें तो मैंने आपको, इंडिया ने यहां पर स्ट्रैटेजिकली पूरी पोजिशन ले रखी है। इंडिया ने जब भी ये बात हुई है इंटरनेशनल के ऊपर कि जवानों का भी नुकसान हो रहा है, नीचे उतार लिया जाए इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा, तो पाकिस्तान ने, भारत ने हमेशा पॉजिटिव ही नेचर दिखाया हमेशा की तरह, और भारत बोलता है कि अगर पाकिस्तान जो है वो 3 प्री रिक्विजिट कंडीशन के ऊपर जो है वो एग्री करता है तो हम हमारे जवानों को नीचे लाने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान उनके ऊपर हामी नहीं भरता है, इसलिए भारत भी अपनी पोजिशन जो है वो यहां पर बनाए हुए हैं। कुछ ये रियल पोजीशन से दोस्तों, रियल फोटोज है जो कि मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, जो कि अपने जवानों की आप देख सकते हैं, अपने देश के रक्षा के लिए, लद्दाख के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए, अपने जवान कितनी मुश्किलों में जीते हैं वहां पे। कुछ इस तरीके के ये रियल फोटोज है जो कि जाने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, और कितनी मुश्किल कंडीशन में वो वहां पे रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के पोस्ट है और टेंट है जो कि वहां पे आर्मी ने लगा रखे हैं, इस तरीके से हेलीकॉप्टर है जो कि काफी चीजों की सप्लाई करते हैं वहां पे इतने मुश्किलों के अंदर। यह आर्मी है जिन्होंने अपने ऑपरेशन मेघदूत सक्सेसफुल किया था उस टाइम पे, लद्दाख स्क्वाड्स और कई सारे और भी अपने रेजिमेंट्स थे, कुमुन रेजिमेंट थी, और इस तरीके से हार्श कंडीशन में भी इतना ज्यादा सामान उठा के अपने जवानों को चलना होता है। यकीन मानिए, कभी आप खरदुंगला पास गए नहीं हो, खरदुंगला पास मैं गया हुआ हूं, 6,500 मीटर की हाइट के ऊपर ऐसी हालत होती है कि अगर आप 10 मीटर भी चलते हो ना तो आपकी सांसें भरने लग जाती है और बहुत ही मुश्किल होती है। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है 30 मिनट से ज्यादा यहाँ पे रहना जो है आपके लिए डेंजरस है। ठीक है, मैं फोटोज आपको दिखा नहीं पाया, कभी आपको वीलॉग के ऊपर दिखाऊंगा वीडियो के थ्रू कि कितना कैसा है वहां पे एनवायरमेंट। ओके, तो ऐसी कंडीशन में भी इतनी ज्यादा मुश्किलों से यहाँ पे रहते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से चौकसी करते हैं कि कोई वहां से पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, कोई अटैक तो नहीं हो रहा है, इस तरीके से वहां पे सर्विलेंस किया जाता है। टेम्परेचर की बात करूं दोस्तों तो -50 डिग्री टेम्परेचर था जो कि वहां तक पहुंचता है। मिनिमम की बात करें तो 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर वहां पे रहता ही रहता है। बर्फ की बात करें तो नियर बाय 30 फीट तक जो है बर्फ वहां पे गिरती है। नियर बाय 6 लोग, आप देख सकते हो, 6 लोग, 6 फीट का अगर एक आदमी होगा तो 5-6 लोगों के बराबर हाइट के बर्फ जो है वो वहां पे आम गिरती है, और अगर आपने एक जगह पे पैर गलत जगह पर रख दिया तो सीधे 30 फीट बर्फ के नीचे जाओगे आप, और फिर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, अपन ने बात करी कारगिल के लेकर भी थोड़ी बहुत, कि कारगिल में भी क्यों उन्होंने अटैक किया था, सियाचिन के ऊपर ही मुद्दा था पूरा का पूरा। और उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल हुआ हूंगा कि सियाचिन
कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से था, किस तरीके से इंडियन आर्मी ने ब्रेवरी दिखा के उस पूरे एरिया को कब्जे में लिया और आज तक हमने वहां पे अपने स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज जो है वो ले रखा है, जस्ट बिकॉज हम चाहते हैं कि कश्मीर के लोग, लद्दाख के लोग वो बिल्कुल सही रहे, सलामत रहे, किसी भी तरीके से उनकी प्रॉब्लम ना हो। पाकिस्तान तो खुद को ही नहीं संभाल पाता है तो वो बाकी जगहों को क्या संभाल पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने वहां पे आज तक हमने हमारे जवान जो है कई बार शहीद भी होते हैं एवलेंस की वजह से, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि वहां पे हमें हमारे सोल्जर को रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो सैल्यूट यार उन सोल्जर्स को जिन्होंने अपनी जान गंवाई आज तक, 900 सोल्जर जो है वो अपने आज तक शहीद हो चुके हैं वहां पे। इवन दो हमारे जवान कभी भी मना नहीं करते कि हम सियाचिन नहीं जाएंगे, जिसको जो ड्यूटी मिलती है वो पूरी तरीके से निभाता है, 200% देता है और फिर वहां से वापस आता है। ओके, तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे ताकि देश के हर यूथ तक ये वीडियो पहुंचे, हर बच्चा जो है वो समझ सके, चाहे वो स्कूल में पढ़ता हो, कॉलेज में पढ़ता हो, तैयारी कर रहा हो, हर बच्चे को घर में आप दिखाओगे, बताओगे कि इस तरीके से भारत ने ब्रेवरी से उस एरिया को जीता है। तो ये आपके ऊपर है, मेरा जो काम था वो मैंने आपको कर दिया है बताने का। भी ये शेयर कितना करते हो आप फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जहां पे भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप कितना करते हो देश के यूथ तक इस बात को कितनी पहुंचाते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको किसी ने लेट ज्वाइन किया है क्लास तो पहले थोड़ा वीडियो करके आप देख सकते हैं, ठीक है। 10:30 बजे अपने क्लास स्टार्ट करी थी, इनफैक्ट 10 बजे स्टार्ट करी थी, काफी बड़ा वीडियो हो गया। ओके, तो आप इसको देख लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।